कैपिटल एसेट्स जो हैं उनके अंदर एक नई एग्जम्पशन जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई है। जब कैपिटल एसेट्स जो हैं उनको आप बेसिकली एंटर करते हैं, तो एग्जम्पशन जो है लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उस हवाले से जो एग्जम्पशन है वो यहाँ पे एंटर कर दी गई है। आप इसको एंटर कर सकते हैं अपने एसेट्स की डिटेल एंटर करते वक्त, ठीक है जी। तो आप मिसाल के तौर पे ये आपके सामने खुले हुए हैं, आई थिंक मुझे बता देना चाहिए इसको मैंने ओपन कहाँ से किया है। इसको जनाब आपने टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर जाना है और वहाँ से नीचे आपने थोड़ा सा चले जाना है इसके अंदर, और इसमें ये देखिए कैपिटल एसेट मैंने जो है ये राइट नाउ ओपन किए हुए हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने ये पेज जो है ओपन किया हुआ है टैक्स चार्जेबल पेमेंट के अंदर कैपिटल एसेट। अब इसमें आप यहाँ पे देखें मिसाल के तौर पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का ओपन करते हैं, तो इसमें अगर आप इसको एग्जम्पशन को यस कर देते हैं कि मैंने एग्जम्पशन क्लेम करनी है, तो यहाँ पे जो रीज़न ऑफ एग्जम्पशन आप चूज़ करेंगे वो आप यहाँ पे जो नई रीज़न इन्होंने डाली है एग्जम्प्टेड या स्टे ग्रांटेड बाय कोर्ट, ये पंजाब के लोग तमाम जितने भी कैपिटल एसेट हैं उस पे राइट नाउ ये एग्जम्पशन जो है उसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है जी। एग्जम्प्टेड या स्टे ग्रांटेड बाय कोर्ट, तो ये नई एग्जम्पशन है बेसिकली जो नई एंटर की गई है, आप इसको क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद इस बाकी फॉर्म को आपने फ़िल कर लेना है, ठीक है, इसको खाली नहीं छोड़ देना, इसको आपने फ़िल करके तो डाटा जो है वो एंटर करना है। जैसे यहाँ पे मरला या कनाल चूज़ कर लें या जो भी आप स्केयर फुट स्केयर मीटर जो भी वहाँ पे जो उन्होंने इसके जो मेजरमेंट्स हैं वो दी हुई हैं, तो मैं मरला चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे 12 मरला कम्प्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देते हैं, ठीक है जी। ये जो है कम्प्लीट एड्रेस है, और यहाँ पर हम जो है डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेते हैं, लाहौर में बैठे हुए हैं तो लाहौर के चूज़ करेंगे, तो लाहौर कैंटोनमेंट, ठीक है जी। और यहाँ पे एग्जम्पशन मैंने ऑलरेडी सबसे पहले सिलेक्ट कर दी थी, एग्जम्पशन क्लेम जो है उसको यस कर दिया है, और एग्जम्प्टेड स्टे ग्रांटेड बाय कोर्ट जो है वो एग्जम्पशन मैंने यहाँ से जाके एरो से सिलेक्ट की है, ठीक है। तो एरो से जाके अगर कोई और एग्जम्पशन आप चूज़ करना चाह रहे हैं बिल्कुल वो कर सकते हैं, जो पंजाब से बाहर के लोग हैं दीगर एग्जम्पशन वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन पंजाब में राइट नाउ चूँकि हाई कोर्ट के डिसीजन की वजह से हाँ ये पेंडिंग किया हुआ है, इन्होंने स्टे है इसके ऊपर, तो इस वजह से स्टे ग्रांटेड बाय कोर्ट आप चूज़ कर लेंगे। प्रॉपर्टी जो है वो कंस्ट्रक्टेड है या नहीं यहाँ पे लिखेंगे येस या नो में, येस में अगर करते हैं तो फिर कवर्ड एरिया देना होगा, नो कर देते हैं तो फिर कवर्ड एरिया नहीं देना होगा। तो कवर्ड एरिया दे दें कितने स्क्वेयर फुट है, मसलन 30 स्क्वेयर फुट अगर है, और इसको जब आप सबमिट कर देंगे यहाँ से जाके तो ये इस तरह से विजिबल हो जाएगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। ये अब इसको आई से जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर की है, ठीक है, जो आई का निशान बना हुआ आँख का, और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन और डिलीट का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे देखें मरला आ गया, 12 मरला, ठीक है, ये एड्रेस इसका आ गया, लाहौर कंटोनमेंट लाहौर डिस्ट्रिक्ट आ गई। वेदर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स 7E, यस, ठीक है। रीज़न एग्जम्प्टेड स्टे ग्रांटेड बाय कोर्ट, इज़ दिस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, यस, कवर्ड एरिया 30, ठीक है। तो ये सही इस तरह से चेक कर लें कि आपने इन्फॉर्मेशन सही एंटर की है, अगर सही एंटर नहीं की तो रिटर्न सबमिट करने से पहले उसको काइंडली सही कर लें, ठीक है। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं अपना उसको एक दो दिन के लिए सेव कर लिया करें, एक तो आखिरी तारीख पे ना करें पहले किया करें, और दूसरा ये कि उसको आपने ये करना है कि उस रिटर्न को पहले सेव कर लिया करें, ताकि ऐसा होता है सम टाइम बंदे के जहन में कोई चीज़ बाद में आती है, ठीक है, क्योंकि जब आप उसको फौरी सेव करके अगर उसको सबमिट कर देंगे तो उसमें फिर आप करेक्शन नहीं कर सकते दोबारा, तो उसको आपने एक दो दिन पहले जो है वो सेव कर लेना है और बाद में फिर उसको सबमिट करना है, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट मैंने आपको गाइड कर दिया कि कैपिटल एसेट जो है उसको किस तरह से एंटर करना है, और इसके ऊपर जो नई एग्जम्पशन है लाहौर हाई कोर्ट की उसको कैसे आपने क्लेम करना है।